दोस्तों पढ़ाई करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं मेहनत करके, और कुछ लोगों को मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन नीट स्टूडेंट्स की जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो क्या कारण है कि कुछ बच्चे वही मेहनत करते हैं जो टॉपर होता है, उतने ही घंटे पढ़ाई करते हैं, वही बुक्स होती हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपको बता दें, कोई भी काम करने से पहले अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो उस काम में आपको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। तो कोई भी काम करने से पहले आप प्री प्लानिंग करिए, उसको किस तरीके से करना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये सब पहले से ही सोच लीजिए। तब अगर आप उस काम को करेंगे, तब उसमें मेहनत करेंगे, तो वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। दोस्तों ये सभी को पता है, अगर कोई काम बहुत शिद्दत और मेहनत से हम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। बस अंतर होता है उस काम करने के तरीके पर, उस काम करने का तरीका आपका क्या है। कुछ बच्चे 12 घंटे पढ़कर भी नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं नीट में, और कुछ बच्चे 4-5 घंटे पढ़कर ही नीट में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, पढ़ाई करते समय एक समय में अगर आप एक काम करेंगे तो उस काम में आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जितनी देर भी आप पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, उस बीच आप कोई दूसरा काम ना करें ताकि आपको उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी चीज़, कम बोलकर ज़्यादा कर देखने वाले लोगों को आपने सुना होगा। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो कामयाबी कभी नहीं हासिल कर सकते। तो कम बोलिए लेकिन अपना काम चुप रह के करते रहिए। यानी आपको पढ़ाई करनी है, आपको दिखावा नहीं करना है। दिखावा तो तब दुनिया आपका देखती रह जाएगी जब आप सफ़ेद कोट में डॉक्टर बन के निकलेंगे, तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत पढ़ाई करता था। अगर आप पहले से ही पढ़ाई की डींगे हाँकने लगेंगे और कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके लिए सब हंसेंगे, आपके पीछे सब आपको उल्टा सीधा भी कहेंगे। तो दोस्तों कोई भी काम करने से पहले टाइम टेबल ज़रूर सेट करिए, चाहे वो पढ़ाई हो या ज़िंदगी का कोई काम आप करने जा रहे हैं। जैसे आपको सुबह कहीं जाना है तो एक दिन पहले अगर आपने सब कुछ तय कर लिया, सेट कर लिया कि हमें किस तरीके से जाना है, कितने बजे जाना है, क्या पहन के जाना है, तो जब आप मॉर्निंग में अगले दिन उठोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यही काम, यही आपको स्ट्रेटजी पढ़ाई में लागू करनी है। आपको पढ़ने से पहले एक दिन पहले ही टाइम टेबल पूरा सेट कर लीजिए कि कल मैं सुबह 4 बजे उठूँगा और ये चैप्टर पढ़ने, इस तरह से रिविज़न करना है। तो आपका अगले दिन उठते ही आपके माइंड प्रिपेयर रहेगा कि मुझे इतनी पढ़ाई रोज़ करनी ही है। तो आप छोटे छोटे टाइम टेबल बनाइए, निगेटिविटी से दूर रहिए, और काम करने का जो तरीका है यानी पढ़ाई का जो तरीका है उसमें चेंज लाइए। पढ़ाई आपके पास सब कुछ है, मटेरियल है, बुक्स हैं, मॉक टेस्ट है, लेकिन क्या दिक्कत क्या आ रही है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को बदलिए, अपने नज़रिए को बदलिए, अपना पढ़ने का तरीका बदलिए। तो दोस्तों मेरा ये बनाने का बस यही मकसद था कि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, हर मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।